नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे हिंदी YouTube चैनल हैंड एजुकेशन में स्वागत है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर जो नियोजित शिक्षकों से संबंधित है। जी हां, हड़ताली नियोजित शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री को लिखा खुला पत्र, कहा आप संवेदनहीन हो चुके हैं। मंत्री जी, आपकी सरकार की संवेदनशीलता पर अब संवेदनशील शब्द ही संवेदनहीन हो चुका है। आप जिस सेवा शर्त पर सरकार के संवेदनशील होने की बात कर रहे हैं उसे 3 महीने के अंदर लागू करने का संकल्प लेने वाली सरकार 5 वर्ष बाद भी पूरा नहीं कर पाई। इससे ही सरकार की संवेदनशीलता का पता चल जाता है। बता दें कि 17 फरवरी से राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों व 25 फरवरी से माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लगभग 4 लाख शिक्षक व पुस्तकालय अध्यक्ष अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताली शिक्षकों ने आगे कहा कि शिक्षा मंत्री जी हमें मानवता और सामाजिक दायित्व का पाठ न पढ़ाएं। शिक्षक समाज हमेशा से आपदा की घड़ी में आगे बढ़कर मानवीय मूल्यों के तहत तन मन धन से मानवता की सेवा करता रहा है और सरकार के राहत कोष में भी अपना भरपूर योगदान दिया है। आज आंदोलन और बिना वेतन के भी वैश्विक महामारी कोरोना की लड़ाई में शिक्षक समाज क्वारंटाइन सेंटर से लेकर राहत सामग्रियों के वितरण, जन जागरण एवं राहत कोष में भी योगदान दे रहे हैं। आज कोरोना से भी बड़ा दुश्मन सरकार शिक्षकों को मान रही है। तभी तो सरकार के मुखिया और आपका पत्थर दिल कलेजा आंसू विहीन आंखों में कोई संवेदना नहीं दिख रही है। शिक्षकों को अपनी पूंजी बताने वाले व्यापारियों की यह सरकार यह भी नहीं जानती कि कैसे अपनी पूंजी को सहेजा व संभाला जाता है। शिक्षकों ने कहा कि सरकार राज्य में शिक्षा जगत को पटरी पर लाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने का ढिंढोरा पीट रही है। उसके संचालन, पठन पाठन, नई तकनीक का सामंजन, परीक्षा से लेकर मूल्यांकन तक में इन शिक्षकों का भी बहुत बड़ा योगदान है, मगर हमें हमेशा सम्मान की जगह तिरस्कार मिला है। मंत्री को संबोधित खुले पत्रों में हड़ताली शिक्षकों ने लिखा कि हमें तो आपने राष्ट्रहित दायित्व तथा वर्तमान विषम परिस्थितियों का ख्याल दिलाते हुए हड़ताल से काम पर लौटने को तो जरूर कहा, मगर क्या आपको अपनी इन विषम परिस्थितियों में दायित्व का तनिक भी बोध नहीं हुआ? क्या आपके हाथ और आपके कलम इस अपील को लिखते हुए दमनात्मक कार्रवाई झेल रहे बिना वेतन के शिक्षकों को परिस्थितियों पर नहीं कांपे? लाखों हड़ताली शिक्षकों ने अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करते हुए स्पष्ट लिखा कि नियोजनवाद की जकड़न और भविष्य के अंधकार को समाप्त करने के लिए यदि हमें जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े हम तैयार हैं। इन शिक्षकों ने अंत में लिखा कि आप जिस संविधान की शपथ लेकर सरकार चला रहे हैं उस संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर न्याय के साथ विकास की बात करने वाली आपकी सरकार अविलंब शिक्षकों पर हुई दमनात्मक कार्रवाई को वापस ले। साथ ही वर्तमान संकट की घड़ी में हड़ताल अवधि का वेतन जारी करते हुए न्यायोचित मांगों पर ध्यान देते हुए ससम्मान हड़ताल वापस कराए। तो एक बार फिर नियोजित शिक्षकों ने राज्य सरकार को खुली चुनौती दी है आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर, और उन्होंने राज्य सरकार को अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए भी आगाह किया है। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे इतना ही। इससे संबंधित तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।